भगवान ने पूतना को तार दिया, थोड़े बड़े हुए भगवान। शकटासुर पर कृपा, तृणावर्त पर कृपा, शकटासुर छकड़े पर आकर लेटा बैठा, मतलब भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, भगवान सारे दुष्टों को मार मार के गिरा देते हैं, सारे दुष्टों को मार मार के गिराए। भगवान ने कृपा की, तृणावर्त को मारा, अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। क्या हुआ भगवान का नामकरण संस्कार? संस्कार, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 संस्कार, संस्कार बहुत हैं, विशेष 16 हैं, वैसे तो बहुत संस्कार हैं। आपका अच्छे से बोलना, ये भी आपके संस्कार का परिचय है। आपका बड़ों का आदर करना, ये भी आपके अच्छे संस्कारों का परिचय है। आपका सहज होना, सरल होना, ये भी आपके संस्कारों का परिचय है। बड़ों का आदर सम्मान करना, ये भी आपके संस्कारों का परिचय है। तो संस्कार के तहत ये सब बातें होती हैं। संस्कार विशेष 16 प्रकार के होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि, जिसे बोलते अंतिम संस्कार। इन्हीं संस्कारों में एक संस्कार होता है पाणिग्रहण संस्कार। पाणिग्रहण संस्कार का मतलब क्या होता है? विवाह। विवाह के बाद पुरुष और स्त्री क्या हो जाते हैं? अर्धांगनी हो जाती है। आजकल अर्धांगनी नहीं होती, महाराज जी ये हमारी वाइफ है, अब आजकल वाइफ और हस्बैंड चलता है, मिसेज और मिस्टर मिसेज। आप लोग बहुत आगे निकल गए ना मेरी माँ, मिसेज मिस्टर आगे चले जाए, थोड़ा पीछे आओ, आपकी मंजिल ना पीछे, आगे, बहुत आगे निकल गए आप। आजकल आप लोग इतने आगे निकल गए हो, एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं, कितने आगे निकल गए आप लोग वो जरा सुन के समझना आप लोग, है ना। एक गांव में एक पहलवान रहता था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत बड़ा मतलब पहलवान नहीं, वो दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत तेज दौड़ता था, बहुत, उसे कोई उसकी बराबरी नहीं, वो कई गोल्ड मेडल जीत चुका देश विदेश में, बहुत बड़ा रेसलर था, ऐसे ही बोलते रेसलर बोलते उसको, हाँ हाँ आप, हम तो दौड़ना जानते हैं बस। एक आदमी था बहुत बढ़िया दौड़ता, तेज, उसकी बराबरी कोई नहीं करता। एक दिन उसके घर में चोर आ गया और चोर चोरी करके जा ही रहा था कि उसने देख लिया, अरे चोर, उसको लगा चोर कितना दौड़ेगा, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मेरी बराबरी थोड़ी कर पाएगा चोर। अब चोर आगे आगे, चोर पीछे पीछे, ये महाशय, इनको लगा यार ये चोर तो मेरे से आगे दौड़ रहा, मैं किस बात का गोल्ड मेडलिस्ट यदि मैं इससे पीछे हूं, तो इन्होंने जोर लगाया और चोर से आगे निकल गए। चोर से आगे निकल गए। दूसरे गांव के लोगों ने देखा, भाई साहब आज सवेरे सवेरे यहाँ, अरे बोले क्या बताएं, चोर हमसे आगे आगे भाग रहा था, हम बोले नहीं हम कैसे भाग सकता तू हमसे आगे, तो वो इतने आगे निकल गया कि जिसे पकड़ने निकला था वो पीछे ही रह गया। ये स्थिति आज समाज की है, ये स्थिति आज समाज की है कि आप लोग इतने आगे निकल गए हैं कि जिन्हें पकड़ना था, जिन संस्कारों को, जिन अच्छाइयों को, वो तो बहुत पीछे रह गई, और आप इतनी दौड़ में आगे बढ़ गए कि अब ना तो आपको ये पता है कि ये मेरी अर्धांगनी है, ना ये पता है कि ये मेरे पति है, ना पति का मतलब, ना अर्धांगनी का मतलब हस्बैंड है, वाइफ, जो वाइफर से मारती रहे, और जो दिन भर बैंड बजाता ही रहे, परेशान करते ही रहे, तो परिभाषाएं बदल गई तो निश्चित है।
प्रभाव बदलेगा। हमारे यहां पति होता है। अब आप लोग इतने आगे निकल गए कि पापा बोल रहे हैं बाप को, पापा। पापा का मतलब होता है पाप। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। चौपाई में एक तुलसीदास जी ने लिखा, उसका मतलब आपसे मैं पूछे तो आप बताना, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई का अर्थ बताओ, इसमें पापा आ रहे हैं आपके वाले। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा का मतलब क्या है यहां पर बोलो? यहां पापा शब्द से पाप अर्थ है, मतलब पापा मतलब पाप। तो ये तुम्हारा बाप है कि पाप है ये कन्फर्म कराओ। पापा क्यों बोलना है, पिताजी क्यों नहीं बोलना, मम्मी क्यों बोलना है? मरी को मम्मी बोलते हैं, मम्मी मतलब डेड बॉडी जो दुबा के रखते हैं तेल वेल में, कि बॉडी खराब ना हो। आजकल तो फ्रीजर वगैरह है, बॉडी को रख देते हैं तो वो महीनों तक खराब नहीं होती। पहले ये व्यवस्था नहीं थी तो तेल में डुबा के रखते थे, तो वो उस प्रोसेस को बोला जाता था मम्मी। तो मम्मी से मम्मी हो गई। कई बार आप जल्दी जल्दी मम्मी बोलते, मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब मरी हुई, मरा हुआ व्यक्ति, मरी हुई। लेकिन आपको अक्कल नहीं है तो आप बोले जा रहे हैं, इतना आगे निकल गए कि जैसे पकड़ना चाहो पीछे रह गया। जिस संस्कृति, जिन संस्कारों को पकड़ने के लिए हम इंटेलिजेंट हुए थे, पढ़े थे, लिखे थे, वो संस्कृति तो फैशन के नाम पर पीछे छूट गई। अब तो हम, पहले लोग कहते थे फटे कपड़े नहीं पहनना बेटा, दरिद्रता आती है। आजकल फटे कपड़े पहनना मतलब फैशन है। फटे कपड़े पहनेंगे मतलब आप बहुत एडवांस दिखेंगे। ऐसे ऐसे कपड़े लोग पहन लेते हैं, बिजू को लगते हैं पहन के, लेकिन पहनते हैं फैशन के नाम पर। फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पहले फटे कपड़े लोग रिजेक्ट कर देते थे, आजकल फटे कपड़े खरीद के लाते हैं। इतने आगे निकल गए देखो।